हे दोस्तों, मैं हूं जेसन रवि और आप देख रहे हैं समरी ऑफ सिनेमा। आज मैं लेकर आया हूं रिव्यू एक ऐसी फिल्म का जो एक्शन और एंटरटेनमेंट का भंडार है, सिंघम अगेन। रोहित शेट्टी ने इस बार एक धमाकेदार फिल्म दी है और स्टार कास्ट भी पूरी मचाने वाली है। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं। तो फिल्म है 2 घंटे और 40 मिनट और कास्ट में है अजय देवगन एज सिंघम, करीना कपूर एज अवनी, रणवीर सिंह एज सिम्बा, अक्षय कुमार एज सूर्यवंशी और टाइगर श्रॉफ भी एज अ कॉप। और यहाँ हम देखेंगे जैकी श्रॉफ एज अ विलन। डायरेक्टर है रोहित शेट्टी जो एक्शन और कॉमेडी के किंग है। टिकट का तो बैठ के आराम से आओ, इज्जत से आओ, लेकिन नहीं, लटक के ही आने का है। तो कहानी की अगर बात करें तो सिंघम को इस बार एक नए और डेंजरस विलन का सामना करना पड़ता है जो है अर्जुन कपूर का कैरेक्टर। अर्जुन अवनी को किडनैप करके श्रीलंका ले जाता है और वहां से कहानी में ट्विस्ट और टर्न्स शुरू हो जाते हैं। स्टोरी में रामायण का कॉन्सेप्ट भी ऐड किया गया है जो कहानी में एक डेप्थ लाता है। बस इतना ही कहेंगे बिना स्पॉयलर्स के, कहानी काफी एंगेजिंग है। दोस्तों, सिम्बा यानी रणवीर सिंह के फनी डायलॉग्स और दीपिका पादुकोण के कैमियो सीन जबरदस्त है। मैं सिंघम नहीं, मैं लेडी सिंघम है रे। अर्जुन कपूर विलन के रोल में ठीक है, जितना जरूरी है उतना डिलीवर करते हैं। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी मेंशन वर्दी है। विजुअल्स काफी ग्रैंड है, एकदम रोहित शेट्टी का सिग्नेचर लार्जर देन लाइफ स्टाइल। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन और ड्रामा को और भी इम्पैक्टफुल बना देता है। म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स पूरी मूवी को काफी एंगेजिंग और थ्रिलिंग बनाते हैं। आखी पब्लिक को मालूम है कौन कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? अगर आप एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट फिल्म देखना चाहते हो जो पूरी फैमिली के साथ एंजॉय हो, तो सिंघम अगेन एक मस्ट वॉच है। एक्शन, कॉमेडी और स्टोरी का बैलेंस है। थिएटर में देखने का एक्सपीरियंस और भी मजेदार है, तो ये मूवी मिस मत करिए। वो महात्मा गांधी का आदर जरूर करता है, लेकिन पूछता छत्रपति शिवाजी महाराज को है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो समरी ऑफ सिनेमा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें। मैं हूँ जेसन रवि, मिलते हैं अगले रिव्यू में। तब तक के लिए गुड बाय और हैप्पी दिवाली टू ऑल।